तो गाइस यार आप लोगों को मैं क्या बताऊं, लॉस सैंटोस में बुरी तरीके से सुनामी आ चुकी है और गाइस पूरा लॉस सैंटोस बुरी तरीके से डूब चुका है। और गाइस दुखी की बात यह है कि अपना सिंचन भी डूब चुका है। और गाइस मैंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन गाइस मैं उस कोशिश में फेल हो गया और मैं गाइस खुद ही डूबने लगा। लेकिन गाइस किसी तरह मैं पानी से बाहर तो आ चुका हूँ, लेकिन गाइस अब मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिंचन को बचाना होगा। उससे पहले गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। लेकिन एक सेकंड गाइस, अरे स्पाइडरमैन फोन क्यों कर रहे, रुको गाइस उठाता हूँ। अरे हाँ बोल स्पाइडरमैन क्या हो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं स्पाइडरमैन नहीं, मैं सिंचन बोल रहा हूँ। स्पाइडरमैन ने मुझे डूबने से बचा लिया और मैं उसके सबमरीन में बैठा हूँ। क्या तू स्पाइडरमैन के साथ है, तू ठीक तो है ना सिंचन? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, यहाँ पर समुद्री राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया है और ये लोग फ्रैंकलिन भैया बहुत खतरनाक दिखने में, इनके पास मोटी मोटी गन है और ये लोग हमें मारे, उससे पहले प्लीज हमें बचा लो। अरे सिंचन यार तू चिंता मत कर, रुक जा मैं अभी आ रहा हूँ तुझे बचाने के लिए, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे साथियों ये वही इंसान है जो हमारे समुद्र में गंदगी मचाते हैं, कचरा फेंकते हैं, समुद्र में गंदा पानी फेंकते हैं, धुआं फेंकते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए आज हम लोग इन्हें मार देंगे। हा हा हा। अरे नहीं चारको अंकल प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोग अच्छे इंसान है, हम लोग गंदगी नहीं करते पानी में। अबे तुम लोग अच्छे हो या बुरे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज तो मैं तुम लोग को मार कर ही रहूंगा। हा हा हा। अरे नहीं प्लीज हम लोगों को मत मारो। ओए नहीं ये क्या, ये तो मेरा दोस्त छिंचन नुहारा है और इसके साथ स्पाइडरमैन भी है और इसको तो शार्कों की गैंग ने पकड़ लिया है, ये लोग उसको मारने वाले हैं। मुझे जल्दी जाके ये सारी बातें बॉस को बतानी होगी वरना ये लोग मुझे मार देंगे। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हम लोग बॉस के पास उन्हें बताने के लिए। अरे बॉच 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 आप यहाँ पर बैठे क्या हो, वहाँ पर चारकों की गैंग ने हमारे दो छिंचन को पकड़ लिया है, वो लोग उसे मारने वाले हैं, प्लीज उसे बचा लो। आरा बाबलो तो सच बोल रहा है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना? ओए नहीं बॉच मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास तो करो। अच्छा बाबलो तो तू सच बोल रहा है, तो आज मैं उस शार्को को छोड़ूंगा नहीं, उसकी पूरी गैंग का बैंड बजा दूंगा। तो चलो गाइस चलते हैं उस शार्को की गैंग का बैंड बजाने और अपने सिंचन को बचाने। भाई शार्को मेरे दोस्त सिंचन को छोड़ दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं गाइस ये तो मेरा दोस्त मेंढक लाले लगता है, मुझे बचाने आया है। अबे भूल जा मैं ये लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्या उखाड़ लेगा बे तू मेरा। हा हा हा। अरे इज्जत से बोल रहा हूँ वो लोगों को छोड़ दे वरना मार मार कर तुझे पापड़ बना दूंगा। अबे तू क्या हमें पापड़ बनाएगा, निकल मेंढक कहीं के। हा हा हा। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे बताना ही पड़ेगा। ये ले। अबे मेंढक तूने मुझे कैसे मारा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बेटा मुझे धमकी देता है, ये ले। अरे नहीं इसने तो सच में मेरी बैंड बजा डाली। अयो रामा साथियों इसने हमारे बॉस को मारा है, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम लोग क्या मेरा बिगाड़ लोगे, ये लो सब के सब लेजर बीम से जल जाओ। हा हा हा। अयो रामा नहीं हम लोग तो जल रहे हैं। आ तो चलो गाइस फाइनली मैंने सारे राक्षसों को मार दिया है, बड़े आए थे मुझसे पंगा लेने। अरे दोस्तों तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी जब मैं ये लोगों से लड़ाई कर रहा था तब? अरे नहीं हमें चोट नहीं लगी, लेकिन तू अभी हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकल क्योंकि अब हमारी छाछ फूल रही है ये सबमरीन में रह के, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकल वरना हम लोग डूबकर मर जाएंगे। अरे हाँ लेकिन मैं तुम लोग को बाहर कैसे निकालूं सिंचन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ तो कोशिश कर प्लीज हमें बाहर निकाल दे मेंढक लाल। अरे बॉच बॉच चिंता मत करो, मैंने रस्सी ला दी है, ये रस्सी अपने पीठ में बांधो और ये लोगों को खींचकर पानी से बाहर निकाल दो। अरे हाँ बबलू तेरा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, धीरे धीरे तू होशियार होते जा रहा है। तो चलो गाइस सर फाइनली मैंने रस्सी अपने पीठ में बांध ली है और दूसरी रस्सी इनके सबमरीन में बांध ली है और ये दिखने में कुछ बैलगाड़ी जैसा लग रहा है। हा हा हा। लेकिन एक सेकंड मैं तो मेंढक हूँ, ये गाइस बैलगाड़ी नहीं ये तो मेंढक गाड़ी है। अरे हज तो क्या है मेंढक लाल जल्दी हमें बाहर निकालना, हमारी छाछ फूलते जा रही है। अरे हाँ निकाल तो रहा हूँ लेकिन तुम लोग ज्यादा बोलो मत वरना मैं तुम लोग को छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे हाँ हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन तू थोड़ा तेज चल, कितना स्लो चल रहा है तू। अच्छा तुम लोगों को तेज चलना है तो रुक जा अभी मैं भाग भाग कर तुम लोगों को तेज चलाता हूँ। अरे नहीं तू बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, थोड़ा स्लो चल वरना हम लोग गिर जाएंगे। अरे गिर जाओ तो गिर जाओ उससे मुझे कुछ नहीं, आज मैं तुम लोग को मेरी स्पीड दिखा कर ही रहूंगा। हा हा हा।
अरे दोस्तों एकदम कस के पकड़ के बैठना तुम लोग सबमरीन को, क्योंकि अब हम लोग पानी के ऊपर बस पहुंचने वाले। अरे हाँ, हमने कस के पकड़े, बस तू पानी के ऊपर हमें किसी तरह पहुंचा दे। तो ये लो दोस्तों, तुम लोग फाइनली पानी के ऊपर आ चुके हो। बताओ तुम लोगों को कैसा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद मैंने धूप देखी और खुलकर सांस ली है। अरे सिंचन और स्पाइडरमैन, मैंने तुम लोगों को ये बड़ी सी बिल्डिंग में लाया है और ये बड़ी सी बिल्डिंग पूरी सेफ है, क्योंकि ये बड़ी सी बिल्डिंग अब डूबने नहीं वाली। यहाँ से तुम लोग अपने घर चले जाना। अरे थैंक यू मेंढक लाल, तूने तो आज हमारी जान बचा ली, वरना शार को हमें मार देता। अरे थैंक यू मत बोल सिंचन, तू तो मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो कुछ भी। तो चल अभी मैं चलता हूँ पानी में सुंदर सुंदर मछलियाँ खाने। ला 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 ला। अरे गाइचर मेंढक लाल तो चला गया, लेकिन पता नहीं फ्रैंकलिन भैया अभी तक नहीं आए। रुको गाइस, उन्हें फोन लगाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया आप कहाँ पर हो? अभी तक आप हम लोगों को बचाने क्यों नहीं आए? अरे यार सिंचन, मैं तो सबमरीन लेके पानी में तुझे ढूंढने आया हूँ। तू बता तू कहाँ पर है, मैं अभी तेरे पास सबमरीन लेके आता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया हम लोग तो पानी के ऊपर आ चुके हैं, आप भी पानी के ऊपर आ जाओ। अरे यार तुम लोग पानी के ऊपर कैसे चले गए, मुझे तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ पानी के ऊपर। तो चलो गाइस, सिंचन तो पानी के ऊपर पहुंच चुका है, अब हम लोग भी अपनी सबमरीन लेके चलते हैं पानी के ऊपर। तो लो गाइस, हम लोग बस फाइनली थोड़ी देर में पानी के ऊपर पहुंचने वाले हैं। लो गाइस फाइनली हम लोग पानी के ऊपर पहुंच गए, लेकिन गाइस सिंचन कहां पर है वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया हम लोग ये वाली बिल्डिंग पर है, आप भी यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, फिर हम लोग अच्छे अच्छे डांस करेंगे। अरे नहीं गाइस यार, वो रहे सिंचन और स्पाइडरमैन। सिंचन स्पाइडरमैन रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो चलो गाइस सर, फाइनली मैं बिल्डिंग के ऊपर तो आ चुका हूँ। अरे सिंचन और स्पाइडरमैन तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग को बचाया किसने? अरे फ्रैंकलिन भैया वो आपको हम लोग बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ बस पानी पानी है। अरे बाबू मौसा उसकी चिंता तुम मत करो, मैं आ गया हूँ अपनी बोट लेकर तुम लोगों को बचाने के लिए। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम लोग ऊपर क्या खड़े हो, जल्दी से बाबू मौसा नीचे आ जाओ, घर नहीं जाना क्या तुम लोगों को? अरे जाना है घर सुपरमैन, रुक जा मैं अभी आ रहा हूँ। अरे बाबू मौसा फ्रैंकलिन थोड़ा देख के उतर, तूने तो आज मेरे को गिरा दिया। अरे सुपरमैन भैया रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ नीचे, आप बस मुझे कैच कर लेना या आप भी चुक। अरे यार सिंचन थोड़ा देख के कूदा कर, तूने मुझे गिरा दिया और मेरे पैर में चोट लग गई। अरे भीड़ लोग कहीं जाना मत, रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ या आप भी चुक। लेकिन ना मुझे तो बड़ी जोर से लगी। अरे स्पाइडरमैन तुझे तो कूदना भी नहीं आता। तो गाइस सर होप करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ भाइयों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। हम लोग मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।